जैसा कि देख रहे हैं, आज हम एक इग्नू के स्टडी सेंटर पे हैं और इग्नू के बहुत सारे छात्रों को आप सभी का बहुत सारे लगातार कमेंट आ रहे थे इग्नू असाइनमेंट को लेकर कि असाइनमेंट का फाइल प्लास्टिक का रहेगा या कागज़ का रहेगा, हिंदी वाले छात्रों को कम नंबर मिलता है या इंग्लिश वाले को अधिक मिलता है, क्या आप पोस्ट स्पीड से भी असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर पर भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं। जितने भी आपके मन में असाइनमेंट को लेकर प्रश्न थे, आज हम बात करेंगे स्टडी सेंटर पे कहाँ हैं सर हैं उनसे हम बात करेंगे और एक ऑफिशियल जानकारी आप सभी को हम निकाल के देंगे। जितने भी आपके मन में प्रश्न हैं उस सभी का समाधान करेंगे। आइए सर से बात करते हैं। तो हमारे साथ एक सर हैं, इनसे हम बात करेंगे और इग्नू असाइनमेंट को लेकर जितने भी छात्रों के मन में प्रश्न रहते हैं उनका लगातार कमेंट आता है इग्नू असाइनमेंट को लेकर, तो सर से हम बात करेंगे और एक संतोष प्रश्न आपको हम आंसर देने का प्रयास करेंगे। छात्रों को, बहुत सारे छात्रों को विश्वास नहीं होता है, तो सर के माध्यम से हम जानेंगे और आप सभी का जो प्रश्न रहता है उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुनील कुमार सिंह है, मैं अध्ययन केंद्र 27109 जी शिक्षा संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्र पर जो है सहायक के रूप में कार्यरत हूँ। यहाँ पर मैं ऑफिस का काम देखता हूँ। तो सर, असाइनमेंट को लेकर छात्रों के कुछ प्रश्न आते हैं, जैसे असाइनमेंट किस फाइल में रहेगा। जैसे बहुत सारे छात्र पूछते हैं कि कागज़ का फाइल लगाना अनिवार्य है या प्लास्टिक का फाइल लगाना अनिवार्य है, कैसा फाइल रहता है? हमारे अध्ययन केंद्र पर जो है प्लास्टिक के फाइल हम लोग नहीं स्वीकारते। हम लोग जो है दफ्ती की फाइल हो या कागज़ की फाइल हो, साधारण कागज़ की फाइल हो जिसके ऊपर आप अपना डिटेल लिख सकें, फाइल की कोई बाउंडेशन नहीं है, केवल प्लास्टिक की फाइल नहीं होनी चाहिए, बहुत महंगा फाइल लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जैसा कि सर ने बताया कि ये कागज़ वाला फाइल है, आप देख रहे हैं ये कागज़ का फाइल कहा जाता है। किसी भी जो एजुकेशनल स्टेशनरी बेचते हैं उसके पास से जाएंगे आप खरीद सकते हैं, ये मिल जाएगा। और ये है प्लास्टिक का फाइल, जो ये वाला स्वीकार नहीं है। तो सर, मान लीजिए ये तो स्टडी सेंटर पे आया है प्लास्टिक का फाइल है, तो ये कैसे आ गया, इसका क्या कारण? ये बाई पोस्ट आ जाता है, तो बाई पोस्ट में तो हम लोग फिर वापस नहीं कर पाते, तो उनको जो है हिदायत के साथ अगले बार के लिए मना करते हैं फ़ोन से। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं सर बता रहे हैं कि अगर आप पोस्ट स्पीड द्वारा भी असाइनमेंट भेज सकते हैं, भेज सकते हैं असाइनमेंट, यहाँ पूरी जानकारी ले करके जिस फॉर्मेट में स्टडी सेंटर पर जमा होता है आप बाई पोस्ट यहाँ के एड्रेस पे बाई पोस्ट भेज सकते हैं, तो द्वारा भेज सकते हैं। और ये फाइल नहीं लगाना है, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि प्लास्टिक का फाइल नहीं लगाया जाता है, कागज़ का फाइल आप लगा सकते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा, एक प्रभावशाली रहता है, अच्छा नंबर भी आपको मिल सकता है और इस पर वार्निंग जारी किया जा सकता है। तो आइए, जो अगला प्रश्न है छात्रों के, हम सर के माध्यम से जानते हैं। कुछ छात्रों का सर कमेंट आता है कि जैसे कि हम हिंदी भाषी छात्र हैं तो हमको इग्नू कम नंबर देता है, इंग्लिश वालों को ज़्यादा देता है, ऐसा कोई भेदभाव होता है क्या? ऐसा कोई बात नहीं है कि इंग्लिश और हिंदी में लिखने से कोई प्रभाव पड़ता है। आप जो है साफ साफ सही जो है लिखें, उसमें कोई इंग्लिश और हिंदी की बात नहीं है। जैसे हमारे यहाँ एमए एजुकेशन सब्जेक्ट है जो कि जिसके मटेरियल्स वगैरह इंग्लिश में ही उपलब्ध है, लेकिन हम लोग उसके क्वेश्चन पेपर भी हिंदी में रहते हैं, एग्जाम भी आप हिंदी में दे सकते हैं और हिंदी में असाइनमेंट भी स्वीकारा जाता है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश में लिखेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार की कोई भी भावना इग्नू में नहीं होता है। आप जिस भाषा को जानते हैं, जिस भाषा में बेहतर आप एक प्रभावशाली आंसर दे सकें आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। हिंदी इंग्लिश का जो आपके मन में भ्रम है उसको छोड़ दीजिए। सर, एक और प्रश्न छात्रों का आता है कि जैसे इग्नू बहुत कम नंबर देता है, किसी को 60-70 के ऊपर देता ही नहीं, ऐसा कोई जो धारणा बना है छात्रों के बीच में, ऐसा सत्य है क्या कि कोई 80-90 नहीं पा सकता? नहीं, असाइनमेंट में तो हम लोगों के ओर से भी रहता है काउंसलर लोगों को निर्देश कि सर जो है बच्चों को जो अच्छा नंबर दीजिए, लेकिन रिटर्न के बारे में हम नहीं बता सकते क्योंकि रिटर्न तो यहाँ से नहीं हैंडल होता, वो दूसरे रीजन में ही जाता है कॉपी जचने के लिए। तो सर, आपके जानकारी में कभी रहा हो कि जैसे कोई छात्र 80 नंबर या 90 नंबर पाया, ऐसा कोई असाइनमेंट आप देखेंगे क्या? नहीं, हमारे यहाँ तो 90 के ऊपर भी असाइनमेंट में नंबर मिलता है और हमारे यहाँ से बच्चे जो है गोल्ड मेडल भी पाए हुए हैं जो कि आज अच्छे अच्छे पदों पर हैं। और हमारे अध्ययन केंद्र पे जो है बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बहुत बड़े बड़े पदों पर जॉब कर रहे हैं, जैसे जज हैं, कोई जो है SSP है, कोई कुछ है, और उन लोगों ने अच्छे मार्क्स से यहाँ से पास किया हुआ है। कितने तो ऐसे सर, एक और इग्नू के बारे में समाज में या छात्रों में एक धारणा बनी है कि इग्नू का जो डिग्री होता है वो वैलिड होता है कि नहीं, कहीं हम सरकारी नौकरी करने के लिए जाएं वहाँ पे मान लीजिए चेक इन होता है, वेरिफिकेशन होता है, तो इग्नू के अगर डिग्री देख के हटा दिया जाए, ऐसा कोई भ्रम छात्रों नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है डिस्टेंस मोड में, और इसके जो है सारे
ऑनलाइन जो है आप चेक कर सकते हैं, इसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं भी इग्नू की डिग्री नहीं रोकी जा सकती क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। चलिए, ये भी एक धारणा बना था, इसका भी प्रश्न का जो आंसर है मिल गया होगा। असाइनमेंट भी आप पोस्ट स्पीड से भेज सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और एक और प्रश्न है सर, असाइनमेंट जिसे कि बहुत सारे छात्रों का प्रश्न आता है कि दोनों तरफ लिखे, बहुत सारे छात्रों का जिसे आप देखेंगे यहाँ पे तो जिसे दोनों पेज यहाँ एक पेज छोड़े हैं एक पेज लिखे हैं, तो दोनों तरफ लिख सकते हैं या केवल एक तरफ लिख सकते हैं, ऐसा कोई नहीं? दोनों तरफ लिखने में कोई हर्जा नहीं है, केवल साफ साफ होना चाहिए जिससे कि आपके काउंसलर सही ढंग से उसको पढ़ सके और आपको नंबर दे सके। और मैं यही कहूँगा कि उसमें जो है आप अपना फॉर्मेट देख लें असाइनमेंट का, इसमें जो है फाइल के ऊपर अपना सारा डिटेल और अंदर जो है इग्नू स्टूडेंट स्टेटस ऑनलाइन लेटेस्ट निकाल लीजिएगा साइट से, जिसमें जो है आपके कब तक वैलिडिटी है, कब आपने एडमिशन लिया हुआ है, आपका अध्ययन केंद्र का कोड है कि नहीं, और जो अध्ययन केंद्र कोड जो है आपका शो करता है आप वहीं पर जमा करेंगे। और जो है क्वेश्चन पेपर, जैसे अभी अब जून 23 में जो एग्जाम होने वाला है, एक मिनट सर मैं कहूँगा आप अच्छे से इसको दिखा दीजिए, थोड़ा कैमरा इधर लाइए। देखिए असाइनमेंट का फॉर्मेट क्या होता है जमा करने का, जो है सारे डिटेल आपके होने चाहिए और अंदर जो है ये जो है इग्नू स्टूडेंट स्टेटस का पोर्टल से अपना लेटेस्ट जमा करते समय आप जो है पेज लगाइएगा और क्वेश्चन पेपर, वैलिड क्वेश्चन पेपर लेटेस्ट जो होगा अभी जो है, और जो क्वेश्चन में जितनी चीज़ें लिखी हैं आप उसको लिख करके सारे असाइनमेंट अलग अलग जितने पेपर हैं सबके अलग अलग बना करके आप चाहें तो अध्ययन केंद्र पर आके जमा करें या फिर यहाँ के एड्रेस पर आप आकर के बाई पोस्ट भेज दें। तो सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और इग्नू के बारे में जितने भी कुछ महत्वपूर्ण भ्रम थे छात्रों के बीच में बने हुए उन सभी का आज एक सटीक प्रमाणिक उत्तर मिला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।